सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं इसके पल और आप देख रहे हैं सिटी साइकिल। तो आज मैंने लिया फ्लिपकार्ट से एक स्केटिंग बोर्ड। तो ये जो बोर्ड है, तो इसका जो पैकिंग मेरे को सही नहीं लगा। तो कैसे पैकिंग करेगा, एक ब्राउन पेपर मोड़ के दे दिया। इसका व्हील भी बाहर निकला हुआ है। तो इसका एमआरपी था 449, मतलब 449 का एमआरपी था। डिलीवरी जोड़ के 475, मतलब 475 रुपया इसको डिलीवरी चार्ज जोड़ के पड़ गया मेरे को। तो ये मैंने शौक से लिया हूँ। तो स्केटिंग करना मेरे को तो बिल्कुल भी आता नहीं है, फिर भी शौक से लिया हूँ। इसके ऊपर थोड़ा बहुत इसके ऊपर मॉडिफाई करूंगा अगले वीडियो में। तो चलो इसको पहले खोल के देखते हैं। तो ये रैपिंग क्यों आता है इसका, शुरू से ही इसका देखो डैमेज हो चुका है यहीं पे। तो मैंने रिप्लेसमेंट करने के बारे में सोचा था तो नहीं किया, छोटा मोटा खर्च था इसलिए मैंने नहीं किया। तो इस लोगों का पैकिंग सही नहीं है किया, सिर्फ एक ब्राउन पेपर मोड़ के सेलो टेप लगा दिया। तो चलो इसको फटाफट खोल लेके देखते हैं इसका कलर क्या है। तो मैंने कलर भी ऑर्डर किया था रेड कलर का, दे दिया जो व्हील ब्लू। मैंने जो ऑर्डर भी किया था उसमें भी अभी तक फोटो में रेड कलर का व्हील लगा हुआ है, तो दे दिया ब्लू कलर का। तो कोई बात नहीं, ये भी मस्त है। तो चलो इसको काट के एक बार देख लेते हैं क्वालिटी क्या है। तो यहीं पे इसका एमआरपी भी किया हुआ है 475। तो यहीं पे एड्रेस वगैरह, मेरा नाम एड्रेस वगैरह सब कुछ है। तो चलो इसको काट के देखते हैं। कैसे कैसे लगाया, ये दोनों पेपर अलग अलग है, मेरे को ऐसा ही लग रहा है। बिल मेरे को तो रखना पड़ेगा। कैसे कैसे मेरा देगा, इसका ऊपर भी एक फाइबर हिट करके चिपका दिया। ये तो प्लास्टिक भी है, तो इसको उठाऊंगा नहीं मैं ज्यादा दिन। ये उठाऊंगा तो पानी वानी गिरने से डैमेज हो सकता है, इसको ऊपर पानी बचाएगा। तो इतना मजबूत है, आधा इंची आसपास से जो बोर्ड है ना, आधा इंची के भी कम है मेरे को तो ही लग रहा है। हाँ, आधा इंच होगा। इसका व्हील मस्त है, दोनों व्हील। मैंने सोचा था ये रिमूव होता है, मतलब ये मूव होता है, ये फिक्स्ड है, सिर्फ ये इधर उधर। हाँ ऐसे ही होता है, इसके ऊपर खड़ा होने के बाद ही इधर इधर ऐसे ही होता है, लेकिन रिवॉल्विंग, ये व्हील रिवॉल्विंग नहीं है। ठीक है, मस्त है। प्राइस थोड़ा महंगा है, 500 के आसपास पड़ गया। तो मैं खुद बना लेता तो साइकिल का वो ठेला रिक्शा का जो बियरिंग होता है ना, उसी से बना लेता, तो इससे मजबूत भी होता और उतना पैसा भी मेरा नहीं जाता। लेकिन शौक से लिया हूँ, ठीक है। तो यार सही में इसको चलाने का तो कोशिश करूंगा। तो पहले कभी इसको ट्राई किया नहीं मैंने। मेरा एक शूज था, स्केटिंग वाला जो शू होता है ना, वो शूज था। तो उसमें बहुत ट्राई किया था, हो नहीं पाया मेरे से। तो इसको एक बार ट्राई जरूर करूंगा। तो इसी टाइप मैं बाद में एक खुद बनाऊंगा, लकड़ी के ऊपर जो मेटल बियरिंग होता है ना, कोई गाड़ी का बियरिंग लेकर बनाने का कोशिश करूंगा। तो इससे ज्यादा मजबूत तो हो गए। तो जी आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में।